सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम CSS को अप्लाई करने का तरीके सीखने वाले हैं कि हम अपने वेब पेज के लिए CSS किस किस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार HTML फाइल बनाने के बाद उसमें हम CSS अप्लाई करते हैं और उनको किस किस तरीके से करते हैं, हमारा ये आज का टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट। देखो दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने वेब पेज को बनाने के लिए आप अपनी HTML राइट डाउन करते हो, अपनी HTML लिखते हो और देन उसके बाद उसके ऊपर CSS अप्लाई करते हो। ठीक है, अभी तक हमने जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर है CSS अप्लाई करी है स्टाइल टैग का यूज़ करके। ये सिर्फ एक तरीका है और इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। इसके अलावा दो और तरीके होते हैं, एक्सटर्नल CSS और तीसरा है इनलाइन CSS। तो आज जो है हम तीनों ही मेथड्स जो हैं सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि तीनों ही मेथड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा HTML एक फाइल बना लेता हूँ और इसके अलावा हमें एक और फाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं वो भी बना लेता हूँ, CSS lecture3.css। एक CSS फाइल आपको बनानी पड़ेगी एक्सटर्नल CSS के लिए। सबसे पहले मैंने एक HTML पेज बना लिया बेसिक सा, H1 हेलो वर्ल्ड लिख लिया इसमें, और एक पैराग्राफ भी बना लिया, इसे मैंने लोरेम इप्सम लिया और फाइल को सेव कर लिया। और इस फाइल को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, पाथ कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देखो हमारा जो है एक पैराग्राफ और एक हेडिंग जो है हमारे वेब पेज के ऊपर लग गई है। अब इसके बाद देखो, हमने जो अभी तक एक तरीका किया है वो किया है अपने हेड सेक्शन के अंदर, अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करना और तब उसके बाद अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करना। ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं हम इंटरनल CSS। ठीक है, एक बार इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे कि स्टाइल टैग यूज़ किया और मैंने अपने H1 के ऊपर किया कलर, मान लो येलो दिया, और बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ब्लैक दे दिया। फाइल को सेव किया, रीलोड किया, ठीक है हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, आपने देखो एक एलिमेंट को स्टाइल किया। अब इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या करना होगा, हमको एक एक्सटर्नली एक सेपरेट हमको CSS की फाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .css ही होना चाहिए, यानी कि जब आप उस फाइल का नाम रखोगे तो नाम रखने के बाद आपको .css ज़रूर लगाना है, ये इसकी एक्सटेंशन रहेगी। देखो अब जो है हम एक्सटर्नल CSS फाइल का यूज़ करके अपने वेब पेज को स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई है उसका आपको अपने HTML फाइल के अंदर लिंक देना पड़ेगा। और लिंक कहाँ आप दोगे, अपने हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, लिंक लिख के आपको एक कॉलन यूज़ करना है और CSS यूज़ करना है। आप डायरेक्टली लिंक भी लिख सकते हो लेकिन इससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे आपको देखो HTML के अंदर आपको पता है कि हम क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं या फिर यूँ कह लो लिंक देते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया CSS lecture3.css। ठीक है, मैंने देखो अब इसको क्या कर दिया, अपनी इस HTML फाइल को अपनी उस CSS फाइल के साथ लिंक कर दिया है। तो यानी कि जो भी मैं अपनी CSS फाइल के अंदर चेंजेस करूँगा वो मेरे क्या होएगा, इस HTML पेज के ऊपर, इस वेब पेज के ऊपर जो है चेंजेस आएंगे। ठीक है, मैं फाइल को सेव करता हूँ और अभी तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पहले का था, ये अब साफ हो गया, इसका अब कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखो अपने उस CSS फाइल के अंदर गए और अपना H1 टैग, अपना H1 एलिमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने मान लो अब कलर दिया येलो और बैकग्राउंड कलर मान लो दिया मैंने ब्लैक, और मैंने अगर फाइल को सेव किया, रीलोड किया, तो देखो चेंजेस जो हैं हम CSS फाइल के अंदर कर रहे हैं और उसको हमने लिंक कर रखा है अपनी HTML फाइल के साथ, और जो हमारा वेब पेज है वो स्टाइल हो रहा है। ठीक है, स्टाइलिंग हो पा रही है उसकी। तो ये जो तरीका है ये आपका एक्सटर्नल CSS है। आपको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का एक ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक पेज की स्टाइलिंग करनी होगी तो आपको इंटरनल CSS यूज़ कर लेनी चाहिए, और जब भी आपको पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी है तो वहाँ पर आपको एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लेनी चाहिए। देखो उसके बाद जो हमारा आता है तीसरा तरीका CSS को अप्लाई करने का, वो है हमारा इनलाइन CSS। देखो इनलाइन CSS आपकी तब यूज़ होएगी जब आपको मान लो कोई पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को कुछ यूनिक स्टाइलिंग देनी हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो भी एलिमेंट की आपको स्टाइलिंग करनी है उस एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद आप बस इतना समझ लो कि अब आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आप स्टाइल टैग का यूज़ करके स्टाइलिंग लिखते थे, बस आप यहाँ जब कोटेशंस के अंदर हो तो सोच लो कि आप इस स्टाइल टैग के अंदर हो और आपको बस सिंपली क्या लिखना है, सीधा प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और
आपको उसकी वैल्यूज लिखनी है। आपको यहाँ पे अब सिलेक्टर देखो, जैसे यहाँ पे तो सिलेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उसी एलिमेंट की स्टाइलिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, मान लो कलर येलो और बैकग्राउंड कलर आप लिख सकते हो ब्लैक। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो है छोटा सा लिखा है, आप यहाँ पे किसी भी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हो। अब मैंने इस फाइल को रिलोड किया, देखो थोड़ा चेंजेस दिख जाए उसके लिए मैं जो ये कलर है वो चेंज करता हूँ, रेड किया मैंने। देखो अब जो हमारा हेडिंग एलिमेंट था, देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे तीन तरीके थे कि किस तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS सबसे पहली, जो कि आपके वेब पेज को, पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए या स्टाइल करने के लिए काम आती है और आपका उसको लिंक देना पड़ता है। दूसरा हमारा इंटरनल CSS, इंटरनल CSS आपको जब यूज़ करनी चाहिए जब आपको एक पेज की स्टाइलिंग करनी हो, और वो कैसे करते हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके। उसके बाद जो तीसरा हमारा ऑप्शन है, जो तीसरा तरीका है, वो है हमारा कि आप इनलाइन CSS यूज़ करोगे जब आपको किसी एक एलिमेंट की डिजाइनिंग करनी होगी, एक एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी होगी। तो हम इनलाइन CSS किस तरीके से अप्लाई करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करिए। किसी भी एलिमेंट की जिसकी स्टाइलिंग करनी है उसके अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करोगे और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टीज लिखोगे और उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए अगर आपने इसी हेडिंग टैग की तीनों जगह अलग अलग अगर आपने CSS राइट डाउन करी, अगर आपने अलग अलग CSS लिखी, अलग अलग स्टाइलिंग करी, तो कौन सी स्टाइलिंग जो है इसके लिए मानी जाएगी। तो दोस्तों इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि देखो सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी दी जाती है वो आपकी इनलाइन CSS को दी जाती है, यानी कि जो भी आपने स्टाइलिंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, इस हेडिंग के लिए आपने जो भी स्टाइलिंग आपने मेंशन कर रखी होगी, जो भी स्पेसिफाई कर रखी होगी, वो आपकी जो है प्रायोरिटी पे रहेगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं कलर देता हूँ येलो और यही मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर अगर मैं H1 लिख के और यहाँ पे कलर देता हूँ मान लो रेड, तो मेरा येलो जो है कलर माना जाएगा। देखो येलो कलर हुआ है ना कि रेड, जबकि मैंने उसी एलिमेंट की स्टाइलिंग यहाँ पे करी थी, उसी एलिमेंट की स्टाइलिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी स्टाइलिंग जो है मानी जाएगी सेम एलिमेंट की अगर हम अलग अलग जगह पे स्टाइलिंग करें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी इनलाइन CSS की। देखो ये तो बात होगी कि आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो रहेगी आपकी इनलाइन CSS की। अब उसके बाद बच जाते हैं हमारे एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। अब बात ये आती है कि अगर सेम स्टाइलिंग आपने किसी एलिमेंट की सेम एलिमेंट की आपने अगर स्टाइलिंग एक्सटर्नल CSS में भी कर रखी है और उसी एलिमेंट की आपने स्टाइलिंग इंटरनल CSS में भी कर रखी है, तो आपकी कौन सी स्टाइलिंग जो है मानी जाएगी उस एलिमेंट के लिए। देखो यहाँ पे जो है इसमें प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना सा रहेगा कि आपने जो स्टाइलिंग आपने पहले करी है और जो आपने स्टाइलिंग बाद में करी है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्टाइलिंग कौन सी मानी जाएगी। सबसे पहले जवाब तो यही है कि जो आपने लेटेस्ट, जो आपने सबसे बाद में स्टाइलिंग दी है ना, वो मानी जाएगी आपकी उस एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग। देखो यहाँ पे करके देखते हैं एक बारी। मैंने इस H1 को यहाँ पे मान लो कलर दिया ब्राउन, ठीक है, और मैंने उसके अंदर इस एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने इस हेडिंग का कलर दिया मान लो ब्लू। फाइल को सेव किया और यहाँ पे मैंने उस फाइल को लिंक भी कर दिया, मैंने फाइल का नाम लिख दिया css lecture3.css। फाइल को मैंने सेव किया। देखो अब आपने क्या कर रखा है कि जो उस एक्सटर्नल फाइल का लिंक है ना, वो आपने पहले दे रखा है और उसके बाद आपने स्टाइल टैग को यूज़ करके और आपने उस H1 की जो स्टाइलिंग है वो कर रखी है कलर ब्राउन, ठीक है। तो आपने बाद में क्या किया, स्टाइल टैग यूज़ किया, तो आपका जो CSS मानी जाएगी ना, वो मानी जाएगी ये बाद वाली, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर जो आपने यूज़ कर रखी है। तो मैं अब इस फाइल को रिलोड करता हूँ, तो देखो ब्राउन कलर ब्राउन हुआ जबकि मैंने उस एक्सटर्नल CSS के अंदर इसका कलर ब्लू दे रखा था। अब अगर देखो मैं इस स्टाइल टैग को यहाँ यूज़ ना करके इससे पहले करता हूँ और लिंक करता हूँ बाद में, तो मैंने इस फाइल को सेव किया और अब रिलोड किया, तो देखो कलर हुआ ब्लू। यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में जब कंपैरिजन होगा कि कौन सी मानी जाएगी, वो बात ये डिपेंड करेगी कि आपने पहले कौन सी लिखी और बाद में कौन सी, जोन सी आपने बाद में लिख रखी होगी वो मानी जाएगी, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी इनलाइन CSS की।
यानी कि जो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आपने जो स्टाइलिंग स्पेसिफाई कर रखी है वो आपकी जो स्टाइलिंग है सबसे प्रायोरिटी पे रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी कि किस तरीके से आप अपनी CSS फाइल को लिंक कर सकते हो, किस तरह से आप जो है डिफरेंट तरीके से अपनी HTML के लिए, अपनी वेब पेज के लिए अपनी CSS लिख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।